तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजी टेक। आज की वीडियो में आपके लेके आ गए हूँ एक और अनबॉक्सिंग और छोटा सा रिव्यू हमारी वॉच WT55+ के लिए। इसके लिए मेरे पे रिक्वेस्ट आई थी कुछ टाइम से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, तो इसके लिए मैं वीडियो ले आया हूँ। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना, एंड में मैं बताऊँगा आप कैसे इसमें अपनी फ़ोटो और कस्टम वॉच फेस लगा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम पर बात ना करते वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने पहले चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा देना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इधर मैं अपने अकाउंट की फ़ोटो डाल दूँगा, आप वहाँ भी मेरे से टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं और जिस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, ये रहा हमारे सामने T55+ का बॉक्स। ऊपर आप देख सकते हैं वॉच की फ़ोटो मिलती है, तीन स्क्रीन बना रखी है, बाकी इधर लिखा है सीरीज 6। इस साइड प्लेन है, इधर सीरीज 6 और एक रेड स्टिकर है क्योंकि हमारी वॉच रेड है। बाकी बैक के साइड में कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है कि मेड इन चाइना लिखा है, और एक दो चीज़ें हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो फटाफट से बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें ऊपर देखने के लिए मिलती है एक यूज़र मैनुअल। तो इसको अगर हम देखते हैं, भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन कर रखी है, जिस प्राइस पे आती है उस हिसाब से इस पर हमें QR कोड और कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। इसको भी एक बार रख देते हैं साइड में। वॉच की पैकिंग काफ़ी अच्छी है, जो प्रीवियस वॉच आती थी वो W26 वगैरह उनके मुकाबले, इसमें आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। पैकिंग स्ट्रैप भी अलग से आता है, बिल्कुल रिमूव वगैरह कर सकते हैं निकालने के लिए। बाकी अब एक बार वॉच को भी निकाल देते हैं और रख देते हैं एक बार साइड में। तो अब देख सकते हैं रेड कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है इस वॉच का। तो एक बार वॉच को रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या मिलता है। तो बॉक्स में सिर्फ इसके अलावा मिलता है एक चार्जर, जो एक सर्कुलर डिस्क वाला आता है जैसे एक एप्पल वॉच का आता है। बाकी इसमें मैग्नेटिक 2 पिन लगी है जैसे और पुरानी वॉचेज में आता था। तो अब फटाफट से अपनी वॉच पर आ जाते हैं। वॉच काफ़ी अच्छे तरीके से पैक हो रखी है किसी भी पुरानी वॉच के मुकाबले। तो इसकी हम फटाफट से जो ये पॉलीथीन है वो हटा लेते हैं इसके ऊपर से। तो हमने जैसे रिमूव करी, इस पे अंदर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है, उसको भी हम हटा लेते हैं फटाफट। तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है दूर से देखने में। बाकी नीचे की साइड हमें एक छोटी सी चिन देखने के लिए मिलती है, जो हल्का सा कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, बाकी वैसे अच्छी है। इसमें हमें क्राउन और बटन दोनों वर्किंग मिलते हैं, रेड कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है। इस साइड हमें देखने को मिल जाता है स्पीकर, और बैक साइड में भी काफ़ी अच्छा लुक है इसका। लिखा है सीरीज 6, 44 mm और चार्जिंग के लिए पिन है। इसके बटन वर्किंग है, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो हमारी वॉच ऑन हो जाएगी। तो देख सकते हैं वॉच ऑन हो गई। एक बार मैं थोड़ी ब्राइटनेस कंट्रोल कर देता हूँ ताकि आपको डिस्प्ले थोड़ा क्लियरली दिख पाए, और बाकी आप ये मेरे फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश करें। बाकी जैसे आप इसमें कंट्रोल सेंटर ओपन करें तो नीचे से स्वाइप करके हो जाएगा और उसमें आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटनेस मिल जाती है हमें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा सच। ऊपर बैटरी और आपको दिखा देता है, यहाँ से आप ब्लूटूथ और अपनी और भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो कंट्रोल सेंटर से। तो आप इसमें देख सकते हो वॉच फेस, आप राइट टू लेफ्ट जब स्वाइप करेंगे तो आपका वॉच फेस चेंज हो जाएगा। इसमें अराउंड प्री इंस्टॉल्ड आपको 7 to 8 वॉच फेसेस मिलते हैं, जिसमें कुछ एनिमेटेड वाले भी हैं, कुछ नॉर्मल भी हैं। तो जिस रेंज पे आती है उस हिसाब से इसको काफ़ी अच्छा बनाते हैं। इसके बाकी क्राउन भी वर्किंग है, आप क्राउन से भी अपना वॉच फेस चेंज कर सकते हैं। तो अंदर आप इसमें जो एप्लीकेशन मिलती है उसमें भी आप क्राउन से जूम इन जूम आउट कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं जूम इन जूम आउट भी काफ़ी ठीक चल रहा है। तो एक काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है बजट रेंज के हिसाब से। टच भी इसका काफ़ी स्मूथ है। बाकी एक बार आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ इसके अबाउट में जाके, कि इसका डिवाइस नेम है T55+। बाकी ये कब रिलीज हुई और इसका मैं वर्जन कौन सा चल रहा है वो आप देख सकते हैं। तो एक बार बैक स्वाइप कर देते हैं, इसमें आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप किसी भी चीप वॉच में पासवर्ड लगाएं। बाकी आप इसकी साउंड भी सुन सकते हैं, आप जितने भी सुन पा रहे होंगे। बाकी ब्लूटूथ सेटिंग में भी जाके आपको 2-4 ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं किसी नॉर्मल वॉच के मुकाबले। तो जैसे आप इसके क्राउन से वॉच वगैरह फेस चेंज कर सकते हैं। नीचे कंट्रोल सेंटर पर आप जाके फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो इसकी, आप फ़ोन साइलेंट वगैरह कर सकते हैं अपनी वॉच को साइलेंट, और नहीं म्यूज़िक चेंज कर सकते हैं अगर आपको म्यूज़िक करना हो चेंज। तो इसमें आपको मिल जाते हैं 3 स्टाइल से ऐप को अरेंज करने का, बाकी वो मैं आगे दिखाऊँगा आपको वीडियो में। तो एक बार बटन प्रेस करके होम स्क्रीन पर चलते हैं। आपको इसमें स्लाइड स्क्रीन भी मिल जाती है, जैसे हमें H12, H22 वगैरह में आती थी। तो एक काफ़ी अच्छा बनाई थी, इतनी जितनी चीप रेंज की वॉच आती है। इसके कुछ फीचर आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि इसके कैलकुलेटर हो गया या इसका जो डायलर आता है। तो बाकी पहले हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं। इसमें हार्ट रेट का भी काफ़ी अच्छा बना रखा है, जब आप हार्ट रेट ऑन करेंगे तो पीछे ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक होती है। अगर आप इसको अपने हाथ पर किसी ऑब्जेक्ट पर रखोगे तो ये मेज़र करना शुरू करेगा।
वरना इसमें मतलब काफ़ी देर बाद या तो रीडिंग काफ़ी देर बाद आती है, वरना जैसे जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं रखोगे तब तक ये रीडिंग शो नहीं करेगा। तब देख सकते हैं रीडिंग आनी शुरू हो गई है। ये इन जितनी भी चीप वॉच आती है इनमें एक्यूरेट नहीं आती, बाकी इसमें जो डाटा डला होता है वो आपको ऐसा लगता है कि एक्यूरेट के आसपास आ रही है। तो इस टाइप में आपको अभी मैं ऑक्सीजन मीटर वगैरह भी चला के दिखाता हूँ। जैसे आप ऑक्सीजन मीटर पर करेंगे मेज़र के लिए, तो इसमें लाइट अलग कलर से जलती है, ग्रीन और रेड, इसमें दोनों कलर की लाइट ब्लिंक होती है। अब देख सकते हैं मैंने नीचे अगर टेबल पर रखा तो आती है रीडिंग या नहीं, थोड़ा टाइम लेती है रीडिंग आने में। बाकी जो रीडिंग आती है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट के आसपास ही आती है कि जो नॉर्मल एक पर्सन की रहती है, जैसे 97-98 आ गई कि इतनी नॉर्मल रहती है तो ये इतनी ही दिखाएगा। इसमें अगर किसी की कम होगी तब भी इतने ही दिखाएगा क्योंकि इनमें डेटा ये फिक्स्ड होता है। तो इसके बाद आपको मैं इसके फीचर्स आप देख सकते हैं। कैलकुलेटर इसका हमें इस टाइप का मिलता है, इसमें काफ़ी अच्छा सा लग रहा है कैलकुलेटर देखने में आपको, डेसिमल वगैरह सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी अब इसका डायलर आपको दिखाता हूँ मैं। डायलर भी हमें थोड़ा अलग डिज़ाइन का मिलता है, पहले के मुकाबले इतनी वॉचेज आती थी। तो ये रहा इसका हमारा नीचे की साइड डायलर। डायलर पे जैसे टचकर आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिलता है हमें डायलर, कि अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, अच्छा खासा पसंद आया है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी वॉच अच्छी है पुरानी वॉच के मुकाबले, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। आप इसमें बीपी भी मेज़र कर सकते हैं, जैसे आप करेंगे इसमें भी ग्रीन और रेड कलर की लाइट ब्लिंक होगी, आपको दोनों ही दिखा देगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ब्लड प्रेशर की रीडिंग दिखा देगा आपको। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एनिमेशन वगैरह काफ़ी अच्छी रखे चीप वॉच के हिसाब से। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस बजट रेंज वॉच में। तो इसमें आपको गेम भी देखने के लिए मिल जाता है, इसमें आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑडियो रिकॉर्ड वगैरह की मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना के दे दूँगा अगर किसी को देखनी होगी। बाकी अभी मैं आपको गेम प्ले करके दिखाता हूँ एक। इसमें आपको ये जैसे एक माई टॉकिंग टॉम में फ्लाइंग करके एक गेम आता था, ये उस टाइप का गेम है। आप जितनी बार टच करेंगे तो ये दो पिलर के बीच से हमारी बर्ड निकलती रहेगी। ये गेम ऐसा है आप इसमें खेल के थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले जो वॉच पर मैंने एक आधा गेम खेलने का ट्राई करा था उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि स्क्रीन बिल्कुल कवर हो जाती है जैसे आप फिंगर रखते हैं। आप इसमें गेम खेल पाएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत टाइम पास करना है। बाकी बहुत छोटी वॉच में गेम खेलने में आती तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ही है। तो एक बार मैं कैलेंडर भी आपको टच करके दिखा दिया, डेट वगैरह फीचर आपको सारे मिल जाते हैं, ब्रीदिंग रेट वगैरह हर चीज़ मिल जाती है देखने के लिए। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड वगैरह भी हैं इस वॉच में। इसमें आपको नीचे की साइड इसका ऐप का वो मिल जाएगा QR कोड, बाकी आप इसको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों जगह सर्च करके ढूंढ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने की। तो आपको मैं ऐप्स अरेंज करके दिखाता हूँ। लिस्ट वाले में जैसे हम अरेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं लिस्ट की फॉर्म में आ गई सारी ऐप्स, तो काफ़ी अच्छी लग रही है लिस्ट फॉर्म में भी। बाकी एक नीचे से जब आप कंट्रोल सेंटर खोलोगे तो आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा 9 ऐप्स का, जैसे आप 9 ऐप्स पर टच करेंगे तो आप देख सकते हैं, जब आप दोबारा टच करेंगे तो आपको 9 ऐप्स के फॉर्मेट में मिल जाएगी सारी एप्लीकेशन। बाकी इसमें कंट्रोल सेंटर से आप दोबारा इसको मैं एप्पल वाला ही कर देता हूँ, बाकी काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं देखने के लिए। तो देख सकते हैं आप इतना मैंने दिखा दिया, बाकी फ़ीचर और दिखाता हूँ वीडियो में। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक कस्टम वॉच फेस लगा रखा है, उसको देखने के लिए कैसे लगाना है वो वीडियो को एंड तक देखना। बाकी उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसमें आप मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं। जब आप अपने मैसेजेस में जाएंगे तो आप एक मैसेज को टच करके नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलर रिप्लाई का। एक बार मैं थोड़ी ब्राइटनेस कंट्रोल कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ। तो जैसे आप रिप्लाई पे टच करेंगे आपको कुछ टेम्पलेट टाइप मिल जाएंगे जिनमें मैसेज पहले से ही टाइप हो रखा है, सॉरी बिजी टाइप का, थैंक यू टाइप के जो मैसेज होते हैं शॉर्ट मैसेज, वो आपको पहले ही टाइप मिल जाएंगे अगर आपको किसी को रिप्लाई करना हो। बाकी मैं बताता हूँ आईफोन में आपने कैसे करना है अपना वॉच फेस लगाना है। M2 Wear ऐप जब आप खोलेंगे एक बार मैं आपको इसका दिखा देता हूँ हमें कैसा मिलता है फॉर्मेट। जैसे आप हर पे टच करेंगे आपको ज़्यादातर मोड्स, अपना वेट वगैरह का, स्लीप का कंट्रोल के फीचर बहुत सारे मिल जाते हैं। फिर बाकी एक आपको डायल का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप उस पर टच करेंगे उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेटअप करने के लिए। सेटअप पर आपको इमेज वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो जैसे आप सेलेक्ट इमेज पर टच करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपनी गैलरी में जाने का। आप एक इमेज सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर दें उसको। कंटिन्यू करेंगे तो आपकी ये ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा। कई बार ये डिसकनेक्ट हो जाता है बीच में, बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस रीट्राई करना है क्योंकि ये चीप वॉचेस होती हैं वैसे तो। बाकी कभी कभार होता है कि कनेक्शन बीच में फेल हो जाता है, ये बीच में कट हो जाता है। तो अगर जैसे भी इसमें होगा भी वीडियो में आगे आपको मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप डिसकनेक्टेड हो गया। तो ऐसे में बस आपको कुछ नहीं करना, बस रीअप्लाई करना है उसी को। तो जैसे आप करेंगे सिंक तो
अब दोबारा आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज हो चुकी है, जैसे जैसे हमारी फ़ोटो उधर क्लियर होती जा रही है इतनी इतनी वॉच में आती जा रही है। तो लगभग हमारी वॉच में पहुँचने वाली हमारी फ़ोटो, तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग हो चुकी है 90% के आसपास। तो हमारी इधर कंप्लीट हो गई, उधर आप देख सकते हैं फ़ोटो आ चुकी है। मैं आपको भी उधर भी दिखा देता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं फ़ोटो हमारी क्लियरली आ चुकी है, एज टू एज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टाइप का वॉच फेस लगाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।